अब शहजाद पूनावाला आपसे सवाल, क्योंकि वो ये कह रहे हैं भाई आपको डर लग रहा है गुजरात में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है उस हिसाब से आप लगातार, और ये तो देखने को मिल रहा है चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे आप दिल्ली में हो, लगातार सीबीआई ईडी समन पे समन पूछताछ के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष पर ताकि वो अपना काम अच्छे से ना कर पाए और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता रहे, दूसरे के ग्राफ से डर है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार के ठेकेदार लूट मचाए अपरंपार, जब पकड़ी जाए चोरी और इंक्वायरी हो तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास आपके पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इनके पास होता है विक्टिमहुड कार्ड। यही विक्टिमहुड कार्ड ताहिर हुसैन के लिए खेला था, आज ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। यही विक्टिम कार्ड जितेंद्र तोमर के लिए खेला था, जितेंद्र तोमर को इन्हीं को निकालना पड़ा। यही विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला था निशा सिंह के लिए, संदीप कुमार के लिए, गीता रावत के लिए, आज सभी लोग जो है जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे। सत्येंद्र जैन का इन्होंने जिक्र किया, सत्येंद्र जैन यही एफिडेविट लेकर हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट किया कि जबरन जज को चेंज किया जा रहा है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल से कि आपराधिक पृष्ठभूमि का है सत्येंद्र जैन, इसको निकालने पर फैसला लीजिए। इसके बाद यही लोअर कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो प्राइमा फेसाय है, ईडी के जो चार्जेस है, चार्जशीट है, वो सही साबित होती है, उनका हवालाबाजी में रोल है। और ये हाईकोर्ट 2019 का अगस्त का ऑर्डर है सत्येंद्र जैन के खिलाफ कि वो हवालाबाजी में लिप्त है, तो इनके बारे में क्या बोलेंगे उसके बारे में जवाब भी दीजिए। अब मुझे बताइए कि ये लोग बार बार कहते हैं, कुछ सवाल है जिसके जवाब कभी नहीं आते। आप देखिए, हमने क्या सवाल पूछे कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया गया, इसका तो दो स्टिंग ऑपरेशन में जवाब आ गया कि 6% कमीशन वापस आ रहा था। फिर हमने पूछा कि ये जो रिपोर्ट कमिटी है, धवन रिपोर्ट कमिटी, जो इन्हीं की रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें कहा गया था होलसेल कतई भी गवर्नमेंट के हाथ से जाने नहीं देना है, प्राइवेट को नहीं देना, इन्होंने होलसेल प्राइवेट को दे दिया, होलसेल प्राइवेट को क्यों दिया, लिकर माफिया को क्यों दिया, और वो भी ऐसे दिया कि अमनदीप ढाल जो इनके प्रवक्ताओं के साथी है, उनको L1 यहां पर पंजाब में भी मिला और दिल्ली में भी मिला। उसके अलावा ये उनके कार्यकर्ता एक है जो नेता चुनाव लड़ चुके हैं, इनका नाम है लांबा, करम लांबा, उनको भी लाइसेंस मिला है। मैं पूछना चाहता हूं रीमा जी से, क्योंकि प्रवक्ता है ऑफिशियल, ये दिनेश अरोड़ा जो चिकाबार चलाते हैं उनके यहां पर, और उनका अरविंद केजरीवाल से क्या रिश्ता, मैं फोटो के आधार पर नहीं पूछ रहा, इनका रोल एफआईआर में भी दर्ज है, किस प्रकार से उन्होंने कमीशन कलेक्ट की, और ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में कमीशन कलेक्ट करने के बारे में, इनके बारे में और अर्जुन पांडे के बारे में। अर्जुन पांडे का क्या लिंक है आम आदमी पार्टी के साथ, वो एक ऐसे चैनल के साथ काम करता है जहां पर आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ प्रवक्ता है उनके रिश्तेदार काम करते हैं, क्या ये भी गलत बात है? तीसरी बात, दिनेश अरोड़ा के बारे में तो बोल दिया मैंने, विजय नायर, विजय नायर भी कैश कलेक्टर है जो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका भी रोल सामने आया, और वो किसके साथ पैसे लेन देन कर रहे थे, इंडो स्पिरिट्स, इंडो स्पिरिट्स को इन्हीं की सरकार ने 2021 में शोकॉज नोटिस जारी किया था क्योंकि ब्लैकलिस्टेड कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलाउड नहीं था इनकी पॉलिसी में। अब मुझे बताइए कि 2021 के शोकॉज नोटिस पे क्या कार्रवाई की इनकी सरकार ने? और फाइनली मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर लिकर पॉलिसी में कोई स्कैम था ही नहीं तो इसको पीछे लेने का क्यों कष्ट किया इन्होंने, वो जारी रहने देते। पर आखिरी एक बात एक और है, देखिए जब गाली देते हुए इनके नेता पकड़े जाते हैं जैसे गोपाल इटालिया तो सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं, जब हिंदुओं को गाली देने का पकड़ा जाता है प्रकरण तो राजेंद्र पाल किसी के वंशज बन जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को मिला नहीं, आपने इतनी जांच करा ली, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, पहुंच गए अर्पिता जी, हाँ अर्पिता जी बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। अर्पिता जी एक सवाल इसका जवाब देते हो, एक सवाल मैं आखिरी रीमा जी को पूछना चाहता हूं, ये मामला चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट 1 जुलाई को दी, उसके बाद एक महीने से ज्यादा लगा सीबीआई ने 17 अगस्त को इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की, क्या आपको लगता है छोटे से छोटा ब्लैक टिकट करने वाला पॉकेट मार भी होगा तो वो पैसे जो ब्लैक टिकट करके कमाता है, पॉकेट मार के कमाता है, वो अपने पलंग के नीचे रखेगा? अरे शातिर शातिर लोग तो पैसा हवाला के माध्यम से पहुंचा ही देते हैं कहीं पे। तो आज जो ये रेड हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ बरामद नहीं हुआ है पैसों के रूप में कि इसका मतलब करप्शन नहीं हुआ, ये तो एफआईआर है, स्टार्टिंग पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का। परंतु मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं मिला, यही तर्क उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में दिया था, 4 महीने से जेल से बाहर क्यों नहीं आया, विजय नायर के बारे में भी यही तर्क दिया था, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, वो कस्टडी में क्यों? और आखिरी सवाल, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह के आदर्श मानते हैं, भगत सिंह जी को, रीमा जी औरंगजेब के बाप का नाम तो आपको पता होगा, सरदार भगत सिंह जी के पिताजी का या माताजी का नाम बता दीजिए, शहीद आजम का नाम बता दीजिए, उनके पिताजी का माताजी का जी, रीमा जी बता दीजिए। देखिए हम सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं, और मैं नहीं, पहले शुरुआत भगत सिंह जी के माता पिता से, शांत हो, चुप बैठो, अरे शहीद आजम के नाम, पिता का नाम पूछा तो चुप बैठो बोलोगे आप? पहले तो हम सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला को थोड़ा समझ कम में आता है। मुझे शहजाद पूनावाला इस बात का जवाब दे कि जो रोज गुजरात में शराब मिलती है उसमें किस किस का उसमें साठ गांठ है, आप बताइए, जो 26,000 अब सरदार भगत सिंह के पिताजी का नाम बताइए, 26,000 करोड़ की ड्रग्स मिली उसमें किस किस का साठ गांठ है,
और जो बताता हूँ। रोज गुजरात में शराब मिलती है उसमें बताइए भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता लिप्त हैं, तो इस पे कोई नहीं कार्यवाही हुई, इस पे क्यों नहीं कार्यवाही हुई? गूगल करना बंद कीजिए और सरदार भगत सिंह जी के पिताजी का या माता जी का नाम बताइए। आप बताइए कि व्यापम पे कार्यवाही क्यों नहीं हुई? व्यापम में भी बता देता हूँ, चलिए मुकुल रॉय पानी चोर मुकुल रॉय भी बता देता हूँ, कार्यवाही क्यों नहीं हुई ठीक इतने सालों से, उन सब पे कार्यवाही क्यों नहीं हुई? शहजाद ठीक है, इस बात का जवाब दे। सरदार भगत के पिताजी या माता जी का नाम बता दीजिए मैडम। ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में भी गुजरात में 700 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर नहीं है? स्कूल पे भी बता देता हूँ। जब भी गुजरात में चुनाव होते हैं बड़ी बड़ी स्कीमें अलाउंस होती हैं, उन स्कीम पे कोई काम नहीं होता, बड़े बड़े एमओयू साइन होते हैं। अब गुजरात में चुनाव इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी रीमा जी मैं बहुत एक सेकंड सब जवाब देता हूँ। सरदार भगत सिंह के माता या पिता का नाम ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रीना जी, एक सेकंड प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, रीना जी एक सेकंड एक बात ये बताइए ना, अगर आपकी पार्टी किस तरह से बनी थी मैम आपकी देश में? अरे रीना जी आपकी पार्टी हंगर इंडेक्स पे भी है। अरे मैम रुकिए तो रीना जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोग फिगर रीना जी आपकी पार्टी किस हिसाब से बनी थी, आपकी पार्टी किस लिए बनी थी? आज हम क्या ये मान लें कि जैसे बीजेपी है जैसे कांग्रेस है वैसे ही आम आदमी पार्टी है? 27 साल से अगर गुजरात में कुछ किया होता तो रीना जी सिसोदिया को गिरफ्तार कर। मैम आवाज पहुंच रही है, ये भाषण मैम भाषण नहीं चल रहा है मैम, सिर्फ ये सवाल सुनना पड़ेगा और आप सवाल पूछने नहीं आई, आप जवाब देने आई है। एक सेकेंड, आपके सारे सवाल जो है वहाँ की जनता गरीब है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही पहुंच रही है, पर जनता की आवाज सुननी नहीं है उन्हें।